सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अहमद रजा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ARM टेक्निकल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो अपना PUK पिन कोड जो है ओपन कर सकते हैं, या आप भूल गए या फिर आपको धोखे से वो कोड जो है लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप उसको जो है बहुत ईजीली तरीके से कैसे पता कर सकते हैं, कैसे जो है उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस चीज़ का सहारा लेकर के मतलब इसको जो अनलॉक कर सकते हैं 100%। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्पीक मत करिएगा। तो चलिए बगैर टाइम बिताए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरीके की नॉलेज भरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताऊं, यहाँ पे जो अगर आप आपका जो POK कोड अगर लग जाता है तो उसको कैसे जानेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपकी जो सिम है उसका जो आधार कार्ड लगा हुआ है, जिस भी चीज़ से लिया हुआ होगी, सबसे पहले आपके पास वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मतलब वो नहीं है तो आप जो है इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। आपके पास आधार कार्ड है तो उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली बता देता हूँ। उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो यहाँ पे आप लोगों को लगानी पड़ती है। तो आप लोग मतलब इसको अनलॉक करने के लिए आप लोग करेंगे क्या, आपको सिंपल से लगानी है कस्टमर केयर को नंबर, आपका जो आइडिया का नंबर हो तो आइडिया वाले से। अब जैसे कि मान लीजिए कि मतलब आपको जियो का सिम है तो जियो के सिम पर आप लोग उसको जो कस्टमर केयर का नंबर लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप अदर सिम से मतलब कोई सी भी सिम से कॉल करके मतलब आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप जियो का नंबर लगाएंगे उसमें आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मैं अगर इसमें वीडियो बनाने लगूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोग को शॉर्ट तरीके से इजीली सारा आपको बताने वाला था। तो आपका जिसकी जो भी सिम है उसका आप कस्टमर केयर का नंबर लगाइए, वो कस्टमर केयर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आप लोग क्या क्या करना है, आप लोग को कैसे कैसे करना है। तो आप लोग ईजिली तरीके से आपका जो जिस भी चीज़ का नंबर है उसका नंबर लगाइएगा। अगर आपको जिस भी जो भी कस्टमर केयर का नंबर लगाना है आप लोग को नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। उसके ऊपर भी मैंने और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा कि कौन से कस्टमर का नंबर केयर का नंबर आपको कैसे लगाना है। फिर आप उसका नंबर लगा कर सारी इन्फॉर्मेशन पूछ लीजिएगा, आपका POK कोड भी आपका जो कस्टमर है वो बताएगा। बस जियो का सिम जो है आपको अदर ऑपरेटर नंबर से कॉल करके उस पर करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को इसी की जानकारी देने वाला था। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें बगैर मत जाना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो बाकी सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ और चेक करो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट में बता दीजिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्यूचर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।